हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आया हूँ। जैसे कैप्टन मार्वल का सीक्वल स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर की रिलीज डेट, वेयरवुल्फ बाय नाइट के कैरेक्टर के साथ मार्वल का क्या प्लान है और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं कैप्टन मार्वल के सीक्वल से। ये मूवी अभी डेवलपमेंट में चल रही है। कुछ महीनों पहले पता चला कि कैप्टन मार्वल 2 का टाइटल द मार्वल है, क्योंकि इस मूवी में हमें कैप्टन मार्वल के अलावा कमला खान की मिस मार्वल भी दिखाई देने वाली है। अभी हमें इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं कि ये कौन है, क्यों है, कहाँ से आई है, लेकिन जल्दी इस कैरेक्टर के बारे में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि डिज्नी प्लस पे इनकी सोलो सीरीज आ रही है जिससे हम इनको जान पाएंगे। और द मार्वल से मोनिका रैम्बियो भी रिटर्न कर रही है, जिनको हम वांडा विजन में देख चुके हैं। और कहा जा रहा है जावेद अख्तर मेन विलन होने वाले हैं, जिनके कैरेक्टर का नाम अभी रिवील नहीं हुआ। निया डाकोस्टा जो द मार्वल्स की डायरेक्टर है, उन्होंने बताया कि इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी क्रिएटिव फ्रीडम्स है और हम कॉमिक बुक नर्ड है और हमें एक बेहतरीन कॉमिक बुक मूवी चाहिए। नेक्स्ट है ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर से। विंस्टन ड्यूक जो कि अम्बागो के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो वकांडा फॉरएवर में रिटर्न कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने ब्लैक पैंथर 2 की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं इमोशनल हो गया था, और जब मैं सेट पे गया तो मैं और भी ज्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन अब ब्लैक पैंथर की टीम अब मेरी फैमिली है तो इसलिए हम साथ में शोक मनाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम वास्तव में कुछ स्पेशल बना रहे हैं। डायरेक्टर रियान कुगलर ने बताया कि बिना लीड एक्टर के इस मूवी को डायरेक्ट करना कोई आसान काम नहीं था और ये मूवी उनके लाइफ के मुश्किल कामों में से एक रहा। और ये भी कहा कि हम कुछ खास बना रहे हैं चैडविक बोसमैन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। वेयरवुल्फ बाय नाइट के कैरेक्टर से ये डिटेल सामने आई है। फिल्म मेकर केविन स्मिथ ने अपने शो के एक एपिसोड में बताया, मार्वल के टीवी हेड जेफ लोब ने हावर्ड द डक शो में वेयरवुल्फ बाय नाइट को यूज करने से मना कर दिया, क्योंकि मार्वल इस कैरेक्टर में पहले से काम कर रहे हैं। रूमर्स ये भी है कि ये कैरेक्टर हमें ब्लेड की मूवी में दिख सकता है। अब जब ब्लेड की बात हुई है तो कुछ अपडेट इस मूवी से भी है। इस मूवी के बारे में हमें 2019 में सैन डिएगो कॉमिक बुक में पता चली कि ब्लेड फ्रेंचाइजी को रिबूट किया जा रहा है, जहां पर कैरन फैगे ने ब्लेड के रोल के लिए महेशाला अली को कंफर्म कर दिया। ये मूवी फेज 5 का पार्ट होगी जिसकी शूटिंग 2022 में शुरू हो जाएगी। इस मूवी की स्क्रिप्ट ओफी कोफर ने लिखी है, लेकिन इस मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा अभी तक नहीं पता था। फिर डेडलाइन की रिपोर्ट से ये सामने आया कि बासम तारिक इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी मार्वल की तरफ से कंफर्मेशन हुई नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पाइडरमैन नो वे होम से। एक चाइनीज साइट से स्पाइडरमैन का छोटा सा टीजर लीक हुआ है जिसमें स्पाइडरमैन के ट्रेलर की रिलीज डेट लिखी हुई है, जो कि कल है। ये फेक है या रियल है वो तो कल ही पता चलेगा। अब चलते हैं डीसी की सुसाइड स्क्वाड पे। जेम्स गन से एक इंटरव्यू में पूछा कि उन्होंने स्टारो को मेन विलन के लिए क्यों चुना। उन्होंने बताया कि सुसाइड स्क्वाड पहले से विलन से भरी हुई है और इस विलन की टीम का नाम X-Force है और ये दूसरे विलन से फाइट करती है। कभी देखिए बिना हीरो की मूवी। और जेम्स गन ने ये भी कहा कि उनको एक मेजर विलन चाहिए और उनको एक मेजर विलन मिला भी, क्योंकि लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जैसा विलन भी हमें देखने को मिल सकता है। और मुझे स्टारो पसंद है। स्टारो एक जॉइंट स्टार फेस है जिसके बीच में एक बड़ी सी आंख है और ये अपने मिनी वर्जन भेजता है जिससे ये ह्यूमन बॉडी और एलियंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अपडेट है बैड गर्ल से। डेडलाइन ने ये रिवील किया कि वार्नर ब्रदर्स इस वीक बारबरा गॉर्डन के बैड गर्ल के लिए कुछ एक्ट्रेस को टेस्ट करेगा, जिसमें से इजाबेला मर्फेड, जोई डॉच, लेवली ग्रे और हेली लो रिचर्डसन है। इस मूवी की रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। Never lose hope when everything's cold and the fighting's new. 'Cause deep in their bones, they're